नमस्कार, एएनवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव के लिए एसपी और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सबसे चौंकाने वाला फैसला कांग्रेस ने लिया और किसी भी सीट पर अपने प्रत्याशी न उतारने का ऐलान करके कार्यकर्ताओं को हैरान कर दिया। अब सभी सीटों पर एसपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और बड़ा सवाल यह है, अखिलेश के पीडीए दांव का बीजेपी ने कैसा जवाब दिया है? समाजवादी पार्टी ने जिस तरह 4 सीटों फूलपुर, कुंदरकी, सीसामऊ और मीरापुर में अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार उतारे, उसके जवाब में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग कितनी धारदार की है, यह अब साबित होगा। बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव मैनपुरी की करहल सीट पर मारा, जहां सैफई परिवार में ही सेंध लगाकर अखिलेश के जीजा को मैदान में उतार दिया। अब बीजेपी के अरुणजेश प्रताप यादव का मुकाबला उनके भतीजे तेज प्रताप से होगा। योगी की रणनीति बताती है कि उपचुनाव को बीजेपी 2027 का सेमीफाइनल मानकर चल रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद होंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की हमारी सीटें जीतेंगी, पूरा विश्वास 101%। कहिए, लिख कर दे दें, आगे चलो। ये यूपी में उपचुनाव ऑल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार साइकिल की चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे अखिलेश यादव। ठीक, सिंबल जारी कर दिया साइकिल। ठीक है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिंबल जारी कर दिया है तो उसमें कहना क्या है? जिसको जिसको सिंबल मिला है उनकी जीत के लिए बधाई है, मेरी शुभकामनाएं हैं और जीत क्या हुई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक फोटो जारी हुई है, उसको एक्स पर उन्होंने लिखा है, हमने यह ठाना है संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहब लोहिया के सपनों को देश बनाना है। बहुत सही, अच्छा विचार है और ये विचार ही देश को बचाएगा। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और नामिनेशन के बाद आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय सीट दर्ज करेंगे। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट और लाइन ऑर्डर पर हम जनता के बीच में हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनसे हमारा कोई सरूप, उनका इंटरनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजय सीट दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, लेकिन इस नारे को साकार करने का काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं। आज कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से मुक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की डिमांड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वही हुआ कि कांग्रेस का हाथ का पंजा खाली रह गया। अब वो हाथ मलते रह जाएं, हाथ खड़े कर दिया आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने, और इसके लिए जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी है। मध्य प्रदेश के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जैसा अपमान किया था ना, तो अब उसका चरखा दांव जो मुलायम सिंह यादव का बड़ा प्रसिद्ध था, वो अब अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आज ये स्थिति में आ गई है, आत्मसमर्पण कर बैठी है कि उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं लड़ सकती। वो उत्तर प्रदेश जहां से राहुल गांधी सांसद हैं और कांग्रेस की इतनी दुर्दशा हो गई है। लेकिन आप ये कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी अखिलेश यादव ने एक और गांधी के साथ लिखा है कि हमने ये ठाना है संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बापू और बाबा साहब के संविधान को बचाना है, उनके देश को। देखिए, फोटो ट्वीट करके वो मन बहलाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। सच ये है कि बड़ी शिद्दत के साथ फूलपुर की सीट को, मझवा की सीट को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनके प्रभारी अविनाश पांडे लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार परिणाम क्या हुआ? एक सीट भी नहीं दी कांग्रेस पार्टी को। आज जिस तरह से उन्होंने अपमानित करने का काम किया है, अब कांग्रेस पार्टी को वो फोटो ट्वीट करके लुभाने का काम कर रहे हैं। ये फोटो से राजनीति नहीं चलती है, राजनीति में चुनाव लड़ना पड़ता है और कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है, ये कांग्रेस पार्टी की समाप्ति के संदेश हैं। देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, वहां पर होने जा रहे 10 उपचुनाव में कांग्रेस की भूमिका को लेकर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है और इन 9 सीटों पर आप सबको हम अवगत कराना चाहेंगे कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से देश में संविधान को कमजोर करने के लिए और अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए एवं आपसी भाईचारे को
नष्ट कर समाज को आपस में बांटने का अपना राजनीतिक एजेंडा सुनियोजित तरीके से चला रही है और जिसे पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक करारा जवाब देकर उन्हें सचेत किया, आज उन्हीं मूल्यों को लेकर, जिन मूल्यों को लेकर संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान को जनता के बीच में उसी सम्मान दिलाने, वही सम्मान को पुनः एक बार स्मरण दिलाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में माननीय राहुल गांधी जी देश में घूम घूम कर जिस संविधान का जिक्र करते हुए समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने हेतु, चाहे किसी वर्ग का, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक, इनके सम्मान और रक्षा के लिए जिस प्रकार से संविधान को लेकर लोगों में जन जागरण की भावना जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी क्रम में इन्हीं मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए एवं इस अवसर पर जब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों की और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर मैं और मेरे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी शीर्ष नेता, सीएलपी के नेता मुन्ना मिश्रा जी, हमारे सभी वहाँ के सांसदगण, वहाँ के वरिष्ठ नेतागण, सभी से चर्चा करने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की से राज्य की राजनीतिक घटनाक्रम और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक तनाव की स्थिति प्रशासन के अनदेखी का बहाना बनाकर जो तनाव बढ़ रहा है, इन सभी राजनीतिक पहलुओं पर और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के साथ जो हमारी चर्चा हुई, इन सभी विषयों को लेकर उनसे हमने चर्चा की। पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय, हमारे शीर्ष नेतृत्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी, इन सब के साथ में गहन चर्चा करने के बाद एक मत बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आया कि आज वर्तमान राजनीतिक तनाव, जिस प्रकार से सामाजिक तनाव उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर इंडिया गठबंधन की निर्मिति हुई, इंडिया गठबंधन बनाया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक एकता का एक उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव जो हमने लड़ा, उसी आधार पर आज प्रश्न अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आज समय है हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाने का, आपसी भाईचारे को, सौहार्दता को मजबूत करने का और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामान्य अध्यक्ष और वहाँ के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का रण अब सच चुका है। दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने जिस तरह से अपने प्रत्याशी उतारे हैं, अखिलेश यादव के पीडीए का जवाब देने के लिए तमाम जो प्रत्याशी उतारे हैं, सीसामऊ से सुरेश अवस्थी, कटहरी से निषाद, समाज से आते धर्मराज निषाद, अलीगढ़ की खैर सीट है सुरेंद्र दिलेर, वाल्मीकि समाज से आते हैं, फूलपुर से दीपक पटेल जो कुर्मी समाज से आते हैं, मझुआ से
सुचिस्मिता मौर्य हैं जो मौर्य सभा से आती हैं, गाजियाबाद से संजीव शर्मा जो सवर्ण सभा से आते हैं, कुंदरकी से रामवीर ठाकुर जो ठाकुर सभा से आते हैं, और मीरापुर से डॉक्टर मिथिलेश पाल। कुल मिलाकर ओबीसी, 5 ओबीसी प्रत्याशी दिए हैं, 1 दलित और 3 सामान्य। अखिलेश के पीडीए को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को बहुत सोच समझ कर उतारा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस को क्या हो गया, क्या इंडिया गठबंधन टूट गया है, ये तमाम चर्चा के मुद्दे होंगे। हमारे साथ जुड़े सत्येंद्र त्रिपाठी, बीजेपी के नेता, बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। शैलेंद्र ध्रुव है कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश मिश्रा है वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी। सबसे पहले शैलेंद्र ध्रुव जी आपके पास आना चाहूंगा, आपको आवाज आ रही है जी? नमस्कार शैलेंद्र ध्रुव जी, जिस तरह से कांग्रेस ने अपना एक भी प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान कर दिया, ये क्या कांग्रेस की मजबूरी है या कोई सोचा समझा समीकरण 2027 की तैयारी है या हरियाणा चुनाव का असर है? बहुत सारी बातें हो रही कांग्रेस को लेकर, क्या कहिएगा जी? देखिए ये निर्णय माननीय राहुल गांधी जी ने देश की अस्मिता, संविधान की जो नैतिक मूल्य का हनन बीजेपी के लोग कर रहे हैं उसको बचाने की लड़ाई में अपना उन्होंने एक आहुति दी है, कुर्बानी दी है जी। ठीक है, कैसे इस मुहिम को जो देश के मूल्यों का हनन हो रहा है, खासकर संविधान की दिन प्रतिदिन संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जाति और धर्म में नफरत फैला करके अपने राजनीतिक मूल्यों को साधने में निरंतर प्रयासरत है, उसको कैसे इस देश में लोकतंत्र कायम रह सके, संविधान की सुरक्षा हो सके, नैतिक मूल्यों का वजूद जिंदा रहे, पिछड़े दलित समाज के साथ जो हो रहे महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, तो ये सब रुक जाएंगे? आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये सब रुक जाएंगे क्या? आपको चुनाव लड़ के सामने आना चाहिए था, फिर रोकना चाहिए था। बिल्कुल, तो हम चुनाव में हैं, हमारे घटक दल अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ हैं हम लोग। हमारा ये शीर्ष नेतृत्व का एक निर्णय है कि हमारा जो अलायंस है इसको मजबूती के साथ हम चुनाव लड़े, और पूरे तन्मयता के साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता कार्यकर्ता पूरे ईमानदारी से अलायंस घटक के साथ हम लोग लग करके भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए निरंतर हम लोग क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं। जहां जहां उपचुनाव होना है अभी भी हमारे सभी पार्टी के जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, वो लोग निरंतर संविधान सम्मेलन को लेकर के जन चौपाल के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास निरंतर चल रहा है। ठीक है, उसी कड़ी में आऊंगा, अगले दौर में आऊंगा, अगले दौर में आऊंगा शैलेंद्र जी, फिर और बात करेंगे इस पर जो है। अभी एक बयान सबसे लेते हैं, सत्येंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, आवाज आ रही सत्येंद्र जी? सत्येंद्र त्रिपाठी बीजेपी के नेता, आपको आवाज आ रही है? नहीं पहुंचे आवाज। डॉक्टर अभिषेक राय जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपको आवाज आ रही है अभिषेक जी? जी बताएं। हाँ अभिषेक जी, जिस तरह से कांग्रेस ने आपको सारी सीटें दे दी हैं, ये कह रहे हैं हमने कुर्बानी दी है, तो इस कुर्बानी का जो है ये कहाँ इसका वो सबब मिलेगा इनको, जो 2027 से मिलेगा या कहीं और मिलेगा? देखिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा है और कांग्रेस उसमें सबसे बड़ा दल है और वो राष्ट्रीय पार्टी है, और हम अपने गहरे सहयोगी का साथ हमेशा देंगे, कोई कुर्बानी की बात नहीं है इसमें, कहीं ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे जो दल मजबूत होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। इसके कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्हें पता है कि हमें इंडिया गठबंधन को जिताना है, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी चीजें होंगी वो आपको रिजल्ट में साफ नजर आएंगी। कांग्रेस के हमारे साथ आ जाने से उत्तर प्रदेश में भी हम मजबूत हुए हैं, उनका संगठन भी अच्छा है, मजबूत है, हमारा संगठन तो आप जानते ही हैं कितना मजबूत है, भाजपा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभिषेक जी, अगर वो इतने मजबूत हैं तो बेचारे 3 सीटें मांग रहे थे,
पांच की मांग की थी, तीन पे वो जाके आखिरकार अड़ गए, आप दो से आगे बढ़े ही नहीं, आखिरकार मजबूर हो गए, उन्होंने कहा सब कुछ ले लो, आप ही ले लो, तो इसमें कहां दोस्ती हो रही है, तो सीधे सीधे दादागिरी है। बात आप, ये कोई दादागिरी नहीं है, ये तो हम हमारे गठबंधन के बीच की बात है, इसमें आपको दादागिरी कहां से दिख रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जवाब देना पड़ेगा ना, वो भी तो सुन रहे हैं ना सर, आप क्या कह रहे हैं, आपको क्या कष्ट है, जब कांग्रेस का शीर्ष नेता, हमें कष्ट नहीं है, हम तो आवाज है, जनता की आवाज है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता जानना चाहेगा ना आखिरकार उनके नेतृत्व सरेंडर क्यों कर दिया। आवाज नहीं है ये, आपके चैनल की आवाज है, चैनल के आवाज है, तो फिर आपको मौका दिया ना बोलने के लिए। व्यक्तिगत टिप्पणी करने में यहाँ नहीं बैठा, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, पार्टी की राय रखिए, प्रवक्ता है तो आप। नहीं मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करने नहीं बैठा हूँ, मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ, मैं तो आपको जानते नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी वाली बात कहाँ से आ गई इसमें, पार्टी की राय रखिए अपनी, सवाल पूछे सवाल जवाब दीजिए। मैं पार्टी की बात रख रहा हूँ, बताइए ना, बताइए, कांग्रेस कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी ने उनको एक भी सीट नहीं दी, इसलिए उनकी पार्टी ने छोड़ दिया, इस पर क्या कहिएगा। पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर कुछ आपत्ति की है, तभी तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त की है, तो कांग्रेस सीटें मांग कर रहा था आपसे। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, या सोनिया गांधी जी ने, या उनके जितने बड़े नेता हैं, किसी ने उस पर कोई टिप्पणी करी है, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं करी, ये बात का बतंगड़ बनाने का क्या आवश्यकता है। इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, जहाँ जो मजबूत है वो लड़ेगा। डॉक्टर साहब, अगर ये बात का बतंगड़ है, तो फिर आप महाराष्ट्र में जहाँ कांग्रेस मजबूत है, वहाँ आप भी तो सीटें मांग रहे हैं ना। हम मांग रहे हैं, हो सकता है हमें सीटें मिले ना मिले, घोषित कर दिए वहाँ पर। देखिए हमारे दो विधायक वहाँ तो है ही है महाराष्ट्र में, और अगर हमें कैसे हो गया। ठीक है, चलिए आप जवाब देना नहीं चाहते। अविनाश मिश्रा जी, जिस तरह से कांग्रेस ने सरेंडर किया है, ये क्या कांग्रेस की मजबूरी है, उसकी कुर्बानी है, या कोई समीकरण है 2027 के लिए, उसको लगता है कि चलिए आज हम कुर्बानी दे रहे हैं तो 2027 पे इसका हमें इसका फायदा मिलेगा। देखिए अभी उनके प्रवक्ता ने आपसे कहा ये पांडे जी की कुर्बानी हमारे नेताओं ने दी है जी। तो ये कुर्बानी ना देके इन्होंने एक प्रकार से कही है कि समाज और अविनाश जी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। हाँ जी जी, कांग्रेस ने भी जो अपनी तैयारी की थी वो तैयारी मजबूत, और कई लोग हमारे लिहाज से कई मौके पर ये जो प्रत्याशी नहीं लड़ रहे, इसका भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे इस उनके मनोबल इसका, और भी जहाँ जहाँ पे लोग खड़े हो रहे थे कुछ बिंदु पे थोड़ा आशा लेकर कि भविष्य में मजबूती पकड़ेंगे, तो उसमें काफी निराशा हुई है। आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है अविनाश जी, दोबारा फिर आता हूँ आपके पास, तब तक सत्येंद्र त्रिपाठी जी के पास चलते। सत्येंद्र जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। सत्येंद्र त्रिपाठी जी, जिस तरह से कांग्रेस ने जो है कुर्बानी दी है, वो आखिरकार किसी भी हाल में चाहती है बीजेपी को हराना, और इसलिए उसने अपनी सीटें छोड़ दी, तीन मांग रहे थे, तीन नहीं मिली, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है समाजवादी पार्टी को सारी सीटों में देंगे, समर्थन देंगे। अब जो है मुकाबला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूरे आपके खिलाफ खड़े हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी काफी मजबूत हैं, तो कैसे आप मुकाबला कर पाइएगा? जहां तक उपचुनाव की बात है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी का जो गवर्नेंस का मॉडल है उसको लेकर चुनाव के बीच में जा रही है। लेकिन जहां तक कांग्रेस है, कांग्रेस और सपा के मध्य की बात है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो बड़े भाई छोटे भाई का जो खेल और त्याग भावना जो कांग्रेस दिखाने का प्रयास कर रही है, वो उसको दिखाती है कि उसका संगठन उत्तर प्रदेश में कितना छोटा है, और समाजवादी पार्टी ने इतना भी नहीं समझा कि उसको एक सीट दे दी जाए। और अगर आप देखें, यह आज की शुरुआत नहीं है, हरियाणा चुनाव को अगर आप ध्यान से देखें तो हरियाणा के अंदर जब अखिलेश यादव ने अहिरवार क्षेत्र में सीटें कुछ मांगी थी, और उसके ऊपर जिस तरीके से चौटाला का आया था कि कांग्रेस जो लीडरशिप थी हरियाणा के अंदर, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सपा का कोई अस्तित्व नहीं है,
तो ये कहीं ना कहीं उसी को दिखाता है कि ये जो लड़ाई है इस इंडिया जो अलायंस है उसके अंदर, इंडिक अलायंस के अंदर, और उसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्डर बेस पे जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर चुनाव लड़ेगी, और हमेशा से वो चुनाव उसी हिसाब से लड़ती है कि उस हर चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर उतरता है। और मुझे मेरा देखना है कि पार्टी इसके लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है उपचुनाव में। लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी उतारे हैं बहुत सोच समझ के समाजवादी पार्टी ने, बहुत तैयारी के साथ जो है वहां पर जो आपके प्रत्याशी आए हैं, आपने भी जो है ओबीसी पर दांव लगाया है, ठीक है, लेकिन जो पीडीएस समीकरण की बात बात अखिलेश जी बात करते हैं, वो मुकाबला इस बार सीधा सीधा होगा पीडीएस समीकरण और सामाजिक समीकरण जो आपने तय किए हैं। जो समाजवाद अगर देखा जाए तो लोकसभा के अंदर जिसका एक लहर दिख रही थी कि कह रहे थे कि ठीक है वो रिफ्लेक्शन स्टेट के चुनाव में भी दिखेंगे, और हरियाणा का चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी जन सामान्य जुड़ा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे पूरी तरीके से उसका एक जो मंतव्य है वो बना हुआ है, अभी भी उसकी विश्वास उसका पूरा भरपूर बना हुआ है। तो ये पूरी तरह से नकारते हुए इस बार भी उपचुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी एक फ्लाइंग कलर्स के साथ, जिसे कह सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ आएगी। और ये जो पीडीए का इक्वेशन है वो पहले ही धराशायी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जहां तक कांग्रेस उसकी जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है, समाजवादी ने उसको ही नकार दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि जमीनी स्तर पर उनकी क्या स्थिति बनेगी, वो आने वाले समय में जो रिजल्ट्स आएंगे वो दिखाएंगे। ठीक है, अविनाश जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है पांडे जी। अविनाश जी बात पूरी करिए अपनी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जिस तरह से मेरा सवाल वही है, जिस तरह से कांग्रेस जो है उसने अपनी कुर्बानी की बात बार बार कर रहे हैं लोग, हमने मा तो मान ले जाए, चले यूपी में अखिलेश यादव जो हैं वो पार्टी की मजबूत है इसलिए बड़े भाई हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह सरेंडर कर गई है, 2027 के लिए क्या माना जाए कि इंडिया गठबंधन यूपी में बना रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, सरेंडर इस तरह से नहीं कर गई है। अब कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, और जिस तरह से उनकी प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से चारों तरफ वो तैयारी कर रहे थे, फूलपुर से लेकर गाजियाबाद, खैर और मझुआ, इस सीटों पर उनकी नजर थी। और फूलपुर क्योंकि नेहरू जी के समय से वो लोग जुड़े रहे हैं, इसलिए वो भी चाहते थे, लेकिन जब केंद्र ने इस मामले पे हस्तक्षेप कर दिया तो निराशा हुई है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और कांग्रेस की जो तैयारी थी उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा गलत मैसेज गया है। लेकिन ये ठीक है कि राजनीतिक लोग अपने अपने निर्णय लेते हैं, लेकिन मैं पांडे जी एक बात कहना चाहूंगा, हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि पीडीए यदि एक तरफ है तो एनडीए ने भी पीडीएस बना दिया है। पीडीएस, पिछड़े पिछड़े दलित और सवर्ण। हेलो, पिछले दलित सवर्ण, हाँ जी, नया समीकरण बना दिया है, नया समीकरण बना दिया। हमारे वरिष्ठ पत्रकारों का ये आकलन एक निकला है, तो उनका ये कहना है, एक वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने अपना, कि अब इस तरह से यदि आप देखिए तो जिस तरह से फोकस किया है उन 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 पिछड़ी जातियों पर जो एक आप देखिए मौर्य समाज की जाति है, आपकी पाल समाज की जाति है, आपकी पटेल समाज की जाति है, इन सब का एक प्रकार से गुलदस्ता बनाया है। मौर्य है, निषाद है, कुर्मी है, कुर्मी है, मझुआ से सुचिता मौर्य, मौर्य है, और कुर्मी फूलपुर से दीपक पटेल है, निषाद कटेरी से धर्मराज निषाद जी है। एक बहुत बड़ा मैसेज एक दिया है पिछड़ों के प्रति। एक एनडीए ने इस चुनाव से यदि आप सोचिए तो उनकी रणनीति एक लीक पर चलने वाली है, और ये पीडीएस जो इस तरह का बन रहा है, तो पीडीएस अब पीडीए की लड़ाई हो रही है, और दूसरी तरफ जो बहराइच का मामला था उसको लेकर भी एक ध्रुवीकरण का जो माहौल है, उस ध्रुवीकरण का भी सारे राजनीतिक दलों में ये असर है कि उत्तर प्रदेश पांडे जी जी ठीक है, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
वोकल फॉर लोकल, हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ में 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5,00,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, जहां समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस ने चुनाव में नहीं उतरने का ऐलान करके चौंका दिया। हमारे कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास एक बार फिर चलते हैं और बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। सत्येंद्र त्रिपाठी हैं, बीजेपी के नेता। शैलेंद्र ध्रुव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। डॉक्टर अभिषेक राय हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और अवनीश मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शैलेंद्र ध्रुव साहब, ये जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए थे, उस समय कांग्रेस लगातार वहां मजबूत स्थिति में थी और उसके बाद भी चुनाव जीत नहीं पाए, उसके बाद लगातार देखा जा रहा है जितने सहयोगी हैं वो कहीं ना कहीं दबाव बना रहे थे, महाराष्ट्र की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, और आखिरकार आपने सरेंडर कर दिया उत्तर प्रदेश में। तो ये एक रणनीति है आपकी कि ये चलो ठीक है, बीजेपी को हराने के लिए इस समय हमें चाहिए, किसी तरह के साथ चाहिए, तो हम थोड़ा 2 कदम पीछे हट जाते हैं, लेकिन इससे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल जो गिरा है, जो संगठन खड़ा करने की जो कवायद उत्तर प्रदेश में चल रही थी, वो भी तो जो झटका लगा उसको, इसको आप लोग नहीं देख पा रहे हैं? शैलेंद्र आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर अभिषेक राय, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, तो डॉक्टर अभिषेक राय, जिस तरह से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उन्होंने भी सामाजिक समीकरण का बहुत ध्यान रखा है, सामाजिक समीकरण कहें या जाति समीकरण कहें, तो पीडीए के जो आपके प्रत्याशी थे उन मजबूत प्रत्याशियों के खिलाफ बीजेपी ने भी काफी उसी हिसाब से प्रत्याशी दिए हैं, क्या कहिएगा उनके प्रत्याशियों पर? देखिए, हम उनके प्रत्याशियों पे कुछ नहीं कहना चाहते, राजनीतिक दल है, वो जिसको लड़ाना चाहे वो अपने को लड़ा सकते हैं, उसके लिए हम उस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहते। और रही बात जहां तक हमारी बात है, समाजवादी पार्टी की बात है या इंडिया गठबंधन की बात है, हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हमने कहते ना, हमने समाज के हर वर्ग को साथ में रखने का काम किया। समाजवादी पार्टी का सीधा सा कंसेप्ट है, इंडिया गठबंधन का सीधा सा कंसेप्ट है, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाना है। इसमें हम पीडीए, पीडीएफ और ये सारी चीजें हम इसकी बात नहीं करते। पीडीए हमने नाम दिया था, पीडीए का फुल फॉर्म अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अग्रणी आदि आबादी, ये है हमारा पीडीए का नारा। अगर आपको ये क्लियर ना हो तो ये हम बात बहुत क्लियर कट समझा रहे हैं, उसमें सभी लोग आ जाते हैं। हम तो हमने महिला कैंडिडेट को कितना टिकट दिया आपने देखा होगा, 9 में से हमने कितनी महिलाएं लड़ाई हैं आपने ये भी देखा होगा, हमने फॉरवर्ड कितने लड़ाए आपने वो भी देखा होगा, हमने दलित कितने लड़ाए वो भी आपने देखा होगा, हमने पिछड़े कितने लड़ाए वो भी आपने देखा होगा। और इस समय जनता जो है त्रस्त है महंगाई से। आप बताइए, 120 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है और 70 रुपए किलो प्याज बिक रही है, सब्जियों के दाम कितने महंगे हो गए हैं, सब्जी नहीं खा सकते हम लोग। अभी ये पाल और किसकी बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पाल ही हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पाल हैं। और किस तरह की बातें ये लोग करते हैं, मेरे बात समझ में नहीं आती है, ये अनगल बयान क्यों देते हैं ये लोग जनता के बीच में? इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो महंगाई कम करने आए थे, महंगाई टाइम कह के आए थे ये सरकार में,
और महंगाई को लगातार निरंतर बढ़ाते चले जा रहे और उसके लिए कोई रोकथाम नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, एक मिडिल क्लास के हिसाब से आप सोचिए, मैंने क्या कहते हैं, आप ये चीज समझिए नवीन जी, कि अगर ये लोग मिडिल क्लास की बात करते हैं और कहते हैं कि वो गाड़ी खरीदता है तो वो रोड टैक्स देता है कि नहीं देता है, देता है, वो सेस देता है कि नहीं देता है, देता है, वो डीजल पे टैक्स देता है, पेट्रोल पे टैक्स देता है कि नहीं देता। कुल मिलाकर महंगाई एक बड़ा मुद्दा है इस बार के उपचुनाव में, आप देखते हैं महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए? बिल्कुल है मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और ये जनता त्रस्त आ चुकी है इससे। इसीलिए अभी हमने सुना, हमारे भाजपा के मित्र को सुना कि वो कह रहे थे, अभी हमने ये तो 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे पिछले लोकसभा में और जनता ने इनको समेट दिया 33 पे, और 33 पे समेट दिया और अगर इन्होंने बेईमानी नहीं की होती तो ये 20 पे नीचे चले जाते। अगर शासन प्रशासन ये बात, हमने 11 सीटें बहुत कम मार्जिन से हारी हैं और वहां पे लाइट के अंधेरे में काउंटिंग हो गई, लाइट कटवा के काउंटिंग की गई। इस तरीके की हरकतें करने वाली ये सरकार इस तरह की बातें करती है? जनता ने तो जवाब दे दिया ना, सारा शासन प्रशासन लग गया, उसके बावजूद भी हम 43 सीटें ये इंडिया गठबंधन जीत के आया, तो ये मजबूती की बात है कि नहीं? ठीक है, जवाब ले लीजिए, फिर दोबारा आता हूँ आपके पास। सत्येंद्र बाडे जी, ये तो सच है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ था उत्तर प्रदेश में, लेकिन यह भी सच है कि इस बीच काफ़ी तैयारी की है योगी जी ने और उपचुनाव को लेकर बहुत पूरे मंत्रियों का समूह लगा रहा, एक एक सीट पर 3-3 मंत्री योगी जी ने उतार दिए, तो अब उसका जो नतीजा है वो उसके हिसाब से जो है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी जो है अपने मुद्दों को लेकर, अब सुना होगा अपने महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर जो है हमला करने को तैयार है और सामाजिक समीकरणों का सारा जोर जो है आप लोग जो है वो भी एक चुनौती रहेगी, क्या कहिएगा? एक तो मैं अपने जो एसपी के स्पोक्स पर्सन है हमारे मित्र, उनको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत समीकरणों को के आधार के बनाकर चुनाव के बीच में नहीं जाती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जो उसने कार्य किए हैं समाज के लिए उसको लेकर, उसकी सरकार के द्वारा जो काम हो रहे हैं लगातार उसको लेकर ही जाती है और उसी को लेकर वो आगे बढ़ती है। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात रही, जो भी कमियां रही, जो भी संगठनात्मक निर्णय लेने थे भारतीय जनता पार्टी ने उसको लिए हैं और लगातार वो संगठन को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के बीच अपने विधानसभा के उपचुनाव जहां जहां हो रहे हैं वहां पर लगातार वो प्रवास कर रही है, काम कर रही है और उसी को लेकर वो आगे बढ़ेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का काम है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आगे बढ़ी थी उसको लगातार कायम करते हुए, और अगर आप देखेंगे चाहे वो बहराइच का कांड हो जिसमें जिस तरीके से अराजक तत्वों के साथ खड़ी मिली है समाजवादी की पार्टी, और अगर सुल्तानपुर देखें तब भी, तो उसमें बहुत ही क्लियर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को स्थापित किया है और यही मैसेज लेकर वो लगातार समाज के बीच जाती है और समाज के लोग इसको देखकर सराहते भी हैं। और हरियाणा चुनाव और जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव इसी के उदाहरण है, जहां पर ये मानते थे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समय चले गए और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार तरीके से अपनी वापसी करते हुए फिर से दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का जो भाव है, जो विश्वास है, वो लगातार बना हुआ है और उसी को लेकर वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, जहां तक सीटों की बात है, वहां पे सामाजिक समरसता को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम की है। जिस पीडीए की बात ये कर रहे हैं, उन्हीं के पीडीए में अगर पिछड़ा दलितों की बात की जाए तो कितना स्थान समाजवादी पार्टी ने दिया है वो सब जानते हैं। एक परिवार की पार्टी रहने वाली समाजवादी पार्टी अगर ये कहे कि वो पूरे समाज को लेकर आगे बढ़ रही है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा उपहास होगा सभी समाज के लिए और वो उसका जवाब जनता देगी। तो आपने करहल में जो है अखिलेश जी के जीजा जी को उतार दिया, सफाई परिवार से ही आपको, बाहर से कोई मिला नहीं था प्रत्याशी? नहीं, सब जो जिसका जिनकी बात चल रही है कि वो अखिलेश जी के परिवार से हैं, अगर वो राजनीतिक तरीके से एक्टिव हैं और लगातार वो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में,
अगर कार्यकर्ता के रूप में देखा जाए तो उनको चुनाव में लड़ाना कोई बुरी बात नहीं है, और वो अगर काम कर रहे थे और हमें लगा कि वो जीत सकते हैं चुनाव पे, तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी अपने समीकरण के साथ आगे बढ़ रही है। ठीक है, शैलेंद्र ध्रुव जी आवाज आ रही है। नवीन जी, मैं एक चीज टिप्पणी करना चाहूंगा। मुझे भी बोलने का मौका मिले, आपका, आपको मौका मिला था, आपका फोन शायद नहीं था जो संपर्क में। नहीं नहीं, तो उसको थोड़ा कवर किया जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें जो मुख्य थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बोलिए बोलिए बोलिए। भाई साहब ने रखा है, इन्होंने अभी बहराइच के मुद्दे पे कुछ बात रखा, इन्होंने सरकार इनकी है, आपने अभी देखा है इन्हीं के दल के माननीय विधायक जी ने जो लोगों पे अफेयर कराया, इन्हीं के पार्टी के लोग थे जिन्होंने वहां माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र बन चुका है कि कैसे जो है लोगों के बीच में नफरत फैलाई जाए, जाति और धर्म के नाम पे जो है लोगों में कैसे हिंसा फैलाई जाए। सुल्तानपुर में अपराधियों के साथ कौन खड़ा है उसको देख रहा है। देखिए भाई साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, तो आपसे अनुरोध है सुन लीजिए। टोका टोकी कपड़े, बोलिए बोलिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके विधायक का जो अफेयर हुआ है उसमें दर्शाया गया है कि जो लोग भी अफेयर किए गए हैं उसमें सभी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। और ये पहले भी जग जाहिर है कि जब भी इस देश में प्रदेश में जो भी दंगे हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग ही उसमें रहते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। इनको महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। आज के प्रदेश में 350-400 रुपया केजी लहसुन हो गया है, सब्जी की स्थिति आप देख लीजिए, पेट्रोल की स्थिति आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर के दाम। जब ये 2014 में सत्ता में आए थे माननीय मोदी जी, इन्होंने क्या घोषणा किया था, इनका घोषणा पत्र उठा के आप देख लीजिए, मंच पे जो उन्होंने जनता से वादा किया था, ये पूरे सभी वादे इनके जो है पूरी तरीके से झूठ रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे जनता को बीच में आपस में भाईचारे को खत्म करके अपनी सरकार को बनाए रखे, ये इनका लक्ष्य रहा है भाई साहब। रही बात हमारे अलायंस का, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है कि इस देश में कैसे अमन चैन बनाए रखा जाए, उसके लिए ये निर्णय जनता के हित के लिए, ये चुनाव का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है जनता के हित के लिए। तो आप अगर अपना सिंबल चुनाव लड़ते तो जनता का हित नहीं होता क्या? क्योंकि पिछली बार लोकसभा में लड़े थे तब भी जनता का हित हुआ था। बात तो ये है कि आपको आपको सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई, आपने कुर्बानी दी, खुद खुद इस्तेमाल किया शब्द का। लोकसभा के चुनाव में ही हमारे राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, जितनी सीटें मिली हमारे सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरे ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का झूठ, जो बेरोजगारी भ्रष्टाचार को लेकर के हम संविधान को बचाने के मूल्यों को लेकर के हम जनता के बीच में गए और जनता ने मुझे अवसर दिया, एक बड़ी जीत का मौका मिला उत्तर प्रदेश में, जनता ने हमारे मुद्दों को समझा, भारतीय जनता पार्टी का जो उनका चरित्र है उसको समझा, तो जनता ने वोट किया। ठीक है, हम बड़े ठीक है, लेकिन हरियाणा के बाद चीजें बदली है शैलेंद्र जी, ये मानेंगे आप दबाव में है थोड़ा बहुत? नहीं नहीं, कहीं कुछ दबाव नहीं है, जनता का निर्णय सर्वमान है, हमारा अलायंस है, हम बड़े दिल के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ करके जो भी 9 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है, हम पूरे ईमानदारी के साथ हम लोग विजय लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं कोई हमारे में द्वेष नहीं है, हम पूरे अंदर से मन से तन से धन से हर तरह से हम लोग जो है पार्टी के लोग लगे हुए हैं कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी के झूठ को ठीक है। ठीक है अविनाश जी, जिस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं, कांग्रेस जिस तरह से यो फेस सेविंग कर रही है, लेकिन ये तो तय हो गया कि अखिलेश जी जो चाहेंगे यूपी में इंडिया गठबंधन में वही होगा, और राहुल गांधी जी को चूंकि केंद्रीय राजनीति करनी है इसलिए कहीं ना कहीं यूपी कार्यकर्ताओं को जो है दब के रहना पड़ेगा, छोटा भाई बन के रहना पड़ेगा, ये तो तय हो गया। देखा जाए समाजवादी पार्टी भी लोकसभा में उनकी हिस्सेदारी है, तीसरे नंबर की है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि उनका किसी प्रकार का दबाव है, लेकिन कांग्रेस को अभी सोचना चाहिए कि यदि उसको अपने पार्टी का अपने लोगों का डेवलपमेंट देखना है तो कांग्रेस का संगठन जो सुगबुगाहट जो जिलों में थोड़ा सा फैल रहा था उस फैलाव पर रोक लगेगी, तो उस संभावनाओं पर रोक लगेगी जो इनके नेता इतने वर्षों से प्रतीक्षा में थे कुछ करने के लिए कि चुनाव आया है, चुनाव लड़ेंगे, माहौल बनेगा। वो हार जीत तो बनती है, जिसका अपना रहता है वो हारता है जीतता है, लेकिन चुनाव से एक प्रकार, क्योंकि राजनेताओं के लिए चुनाव एक प्रकार का एक त्योहार होता है कि
चुनाव त्योहार आ गए हैं, कोई ना कोई लड़ेगा, किसी नेता को चुनाव टिकट मिले, लेकिन एक जब टिकट मिलता है तो पार्टियां जब ज्यादा होती हैं, दल ज्यादा होते हैं तो माहौल भी अच्छा बनता है। तो एक इस लोकतांत्रिक पर्व पे अपने प्रत्याशी सभी दलों को उतारने का ये क्या उनके कारण है, क्योंकि अखिलेश यादव क्योंकि देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सांप्रदायिक जो सौहार्द की बात करते हैं और जो सांप्रदायिक सौहार्द में यहाँ कई इस तरह के मामले आए हैं उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा कि विगत कुछ महीनों में तो मामले कुछ ध्रुवीकरण की तरफ भी जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, अखिलेश यादव ये जान रहे हैं कि ध्रुवीकरण में जो मुस्लिम मत है वो उनके पक्ष में आ सकते हैं पूरी तरह, इसलिए हो सकता है कि इनका कुछ एक कुछ समझौता हुआ हो, जो भी समीकरण बने हो, लेकिन कांग्रेस की भी तरफ ऐसा नहीं है, उनके यहाँ भी एक से एक पुराने मुस्लिम नेता हैं। लेकिन जो चुनाव होगा, योगी जी ने एक जो बात कही है, नवीन जी, योगी जी ने जो कहा है हिंदुत्व को लेकर एकजुट होने की बात की है कि यदि आप एकजुट नहीं रहेंगे, यदि आप बटेंगे तो कटेंगे। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। तो इस नारे का जो प्रभाव है, इस नारे का प्रभाव एक हिंदुत्व को लेकर एक बड़े कैंपस में एक उत्तर भारत तक, ये पूरा महाराष्ट्र तक इसका मैसेज गया है, इसको लेकर सारे लोग विचलित हो गए हैं कि यदि ये नारा जिस तरह से फैल रहा है या ये बात जा रही है और इसको लेकर सारे लोग इसके पीछे आ रहे हैं, तो ये अखिलेश इस बात को समझ रहे हैं कि यदि हम इस पर यदि अभी ठीक से नहीं लगेंगे तो हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो हो सकता है ये भी एक मुद्दा हो। जी नवीन जी, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय जी, जिस तरह से अविनाश जी ने बताया यूपी की राजनीति जो है, जो आपने सुन लिया होगा, ध्रुवीकरण की राजनीति है। इस ध्रुवीकरण की राजनीति में दूसरे हिस्से पे आप खड़े हैं, आप भी जो है वही सब कुछ कर रहे हैं जो बीजेपी करना चाहती है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी का जो है वो आप मुद्दा बताते हैं, लेकिन असली मुद्दा जो है वही सब है ध्रुवीकरण, उसी से निपट रहे हैं आप भी। नवीन जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा के जो हमारे नेता हैं उनके ऊपर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि वो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार नहीं बनी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, ये बात वो क्यों भूल जाते हैं, जबकि वो धारा 370 और पता नहीं क्या क्या करके तो वहाँ पे प्रोपेगेंडा बनाया तो जनता ने उनको वहाँ पे जवाब दिया। और हरियाणा में इन्होंने सरकार बनाई 0.6% के अंतर से इंडिया गठबंधन के खिलाफ, 0.6%। तो आप ये समझ सकते 0.6% का कोई मतलब नहीं होता एक उसमें। ठीक है, सरकार बन गई है, उसके लिए उनको बधाई है, उसके लिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और रही बात उत्तर प्रदेश की, बाबा जी बहुत डरे हुए हैं। बाबा जी इस तरह की अब आप ये बात नहीं करोगे कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये बयान विवादास्पद नहीं है? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? क्या नवीन जी आप हिंदू नहीं है? ये कौन सी बात होती है? जिसकी जहाँ विचारधारा होगी, देखिए मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ और मैं उस हिसाब की बात करता हूँ। अगर मुझे एक चीज बता दी, अगर मुझे हिंदू या मुसलमान का खून दे दीजिए, मैं या आप कोई भी डॉक्टर ये बता दे कि कौन सा हिंदू का खून है, कौन सा मुसलमान का खून है, कोई इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस तरह की चीजें जो है ना, ये विवाद से बयान देने से सिर्फ कहते हैं सनसनी में बनाया जा सकता है और न्यूज में बनाया जा सकता है, और जनता बहुत समझदार हो रही है और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा समझदार हो गई है, इसीलिए इनको आईना दिखा दिया। अभी विगत 24 के लोकसभा इलेक्शन में इनको आईना दिखा दिया। अगर इनका शासन प्रशासन नहीं होता तो मैंने बोला था ना आप, फिर ये बयान दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये 20 से नीचे होते, ये सरकार भी बनाने की स्थिति में नहीं होते अगर इनका शासन और प्रशासन नहीं होता तो। तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल बातें, दो बैसाखियों पे इनकी चल रही है सरकार और बैसाखी कब खिसक जाए इनको पता नहीं चलेगा। तो अभिषेक जी, शासन प्रशासन तो अभी भी है, अगर उपचुनाव सीटों का नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया तो आप फिर वही कहोगे कि देखिए साहब इनका प्रशासन है, हम हार गए इसलिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा,
जनता एक मत हो के नवीन जी, एक मत हो के। आप करहल में देखिएगा, करहल में जहाँ पे इन्होंने लड़ाया है, आप देखिएगा कितने मतों से वो सीट जीतने जा रहे हैं। आप देखिएगा, ये हमारा वादा है आपसे। और आप नौ सीटों का रिजल्ट देख लीजिएगा और उसके बाद आप हमसे बात करिएगा जरूर। ठीक है आपसे बात करेंगे। बिल्कुल करिए। हमारा रोड शो होता है 8 से 9 होता है और इसी तरह होता है, बिल्कुल इसी अंदाज में होता है। सत्येंद्र त्रिपाठी जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है आप लोग ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ठीक है, आप कहने के लिए जो है आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बटेंगे कटेंगे के जो है नारा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है एक तो सभ्य समाज में जो है सही नहीं मानी जाती हैं, लेकिन यूपी की राजनीति जिस मोड़ पहुंच चुकी है, कहते हैं कि वहां पर जो है उपचुनाव में अब ये मुद्दा नहीं है खड़ंजा बनेगा, सड़क बनेगी, क्योंकि योगी जी ने सब कुछ बना के दे दिया है, खड़ंजा बना दिया, विकास भी कर दिया, घर ही बना दिए केंद्र सरकार के, अब उनकी जो है छोटी मोटी डिमांड नहीं है, अब उनकी एक्सपेक्टेशन बड़ी है, अब वो समाज में बड़ा हिस्सा चाहते हैं, सियासत में, राजनीति में, और अपना जो है पद चाहते हैं, वो जो है दे पाने बीजेपी सक्षम नहीं हो पा रही है, इसीलिए दलित वोट जो है और संविधान का जो डर दिखा के जो लोकसभा चुनाव में वो झटका दिया गया, अभी वो झटके से उभर नहीं पाए, इतना आसान नहीं होगा उपचुनाव आपके लिए। जहां तक संविधान की बात है तो संविधान को किसने तार तार किया था इमरजेंसी में या पिछले सरकार में, जब राहुल गांधी इनके जो सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने जब एक विधेयक को प्रधानमंत्री द्वारा पास किए हुए विधेयक को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था, तो पूरी समाज ने देखा था, पूरे देश ने देखा था। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी अगर यह दम भर रही है कि वो सभी समाज को आगे लेकर चल रही है, तो सब सुल्तानपुर पे बोलने वाली समाजवादी पार्टी बहराइच के अंदर शांत क्यों है, क्यों उस परिवार के साथ जाकर नहीं खड़ी है जिसके लड़के को नए लड़के को खींच कर गोली मार दी गई। ऐसे इस तरह के से केवल समाज को बांट कर और उसको आगे बढ़ाकर एक जात एक धर्म विशेष की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी अगर ये कहे कि वो समाज के सभी हिस्से को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगी, तो ये सारा सारा झूठ होगा और इसी को लेकर वो आगे बढ़ती है। पूरी की पूरी राजनीति समाजवादी पार्टी की उस धर्म विशेष पर ही चलती है और एक समाज के ऊपर चलती है। उसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी का सुशासन जो लगातार कार्य कर रहा है उसी के ऊपर आगे बढ़ेगा और फ्लाइंग कलर्स के साथ आने वाले चुनाव में भी हम जीत के जाएंगे। जहां तक आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी लगातार रोडे बना रही है, उत्तर प्रदेश जो एक समय बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था, अपराधियों के राज्य के रूप में देखा जाता था, आज वो एक्सप्रेस वे के रूप में देखा जा रहा है, कहा जाता है कि एक्सप्रेस वे का प्रदेश है। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो बहुत तेजी से इसमें भी विकास हुआ है। जी, मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं जो कह रहा था वो आपकी बात सही है, विकास दोनों सरकारों ने किया है, समाजवादी पार्टी ने भी एक्सप्रेस बनाए थे। मैं कह रहा था कि पहले छोटी डिमांड हुआ करती थी उपचुनाव में कि हमारे मोहल्ले में सड़क बना दो, हमारे मोहल्ले में रोड बिछा दो, नाली लगा दो, बिजली लगा दो। अब ये मांग नहीं करती जनता क्योंकि सब कुछ हो चुका है, जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है बहुत बढ़ चुका है। अब उनकी मांग जो है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनकी छोटी मोटी समस्याएं भी खत्म हो गई हैं, तो जाहिर तौर है जो मानव का स्वभाव है वो कुछ ना कुछ पाने का होता है। अब उनकी इच्छा जो है सत्ता में भागीदारी की है, सत्ता में भागीदारी है, बड़े समाज और समाजवादी पार्टी वो सपना दिखा रही है, वहां पर आप लोग चूक रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, हमारे यहाँ अगर आप पूरा संगठनात्मक स्ट्रक्चर देखेंगे या अभी के उपचुनाव का आप की लिस्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए जो जातिगत समीकरण या सामाजिक समीकरण जो भी सोशल इंजीनियरिंग कर सकती है वहां पे वो प्रयास लगातार कर रही है। और जहां तक हिस्सेदारी की बात है तो हर समाज का की हिस्सेदारी अब चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो स्थान हो, महत्वपूर्ण स्थान हो, उन सभी पर आप देखेंगे कि हर जगह बैठी हुई है। और ये पूरा का पूरा समीकरण ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। और जिस विकसित भारत की कल्पना, जिस उत्तर प्रदेश की कल्पना 2047 में जो एक $3 trillion इकोनॉमी की होने की है, उस पे लगातार वो प्रयास करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। और ये जहां तक संविधान और सभी समाज के को जोड़कर आगे बढ़ने का और उसको खतरा दिखाकर ये डर का जो माहौल बनाकर लगातार वोट पाती थी वो एक इतिहास बन गया है। और आप 2014 से इसको देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मिथ को
जो लगातार अपोजिशन क्रिएट करता रहा है उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है और लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार, ये इतिहास में नहीं हुआ था कि लगातार नहीं। लेकिन सत्येंद्र जी, क्योंकि ये उपचुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने योगी जी के लिए हैं। योगी जी 2027 में जो है कितने मजबूत रहेंगे या नहीं रहेंगे और आगे चल के कितने बड़े नेता बीजेपी के बनेंगे ये उपचुनाव तय कर देंगे। इसी में जो है एक सवाल और, मझुआ सीट संजय निषाद मांग रहे थे, आप लोगों को लगता है कि जो आपके सहयोगी हैं अब उतने जो है वोट दिला नहीं पा रहे हैं क्योंकि निषादों का वोट जो है, संजय निषाद जी का बेटा खुद हार गया था लोकसभा चुनाव, तो वहां भी इसलिए उनको सीट नहीं मिली, बहुत दिल्ली तक चक्कर लगाया इन्होंने। सहयोगी कमजोर हैं, बीजेपी को अपने दम पर चुनाव लड़ना है और 2027 की चुनौती है। नहीं, जहां तक निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी की बात है तो डॉक्टर संजय निषाद भी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं और आगे भी बने रहेंगे। जहां तक उनका कमी होने का कि वोट बैंक उनका खसक रहा है ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के साथ और उनके सहयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी दोनों बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी। मझगवां चुनाव जो सीट है बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से ठीक है आने वाली है। ठीक है, समय कम बचा है, जल्दी जवाब लेता हूं। इसी का जवाब अविनाश जी, ये सवाल जो मैं आप जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी के सहयोगी दल जो है निषाद पार्टी है वो जो है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उतने सक्षम साबित नहीं हुए, आपको लगता है दोबारा जो अखिलेश जी का पीडीए इतना मजबूत दांव था जिसमें दलित शामिल हो गए थे वो क्या वापस बीजेपी को मजबूती दे पाएंगे? और योगी जी जो इतने महत्वपूर्ण चुनाव में उतरे हुए हैं 2027 के लिए, आपको लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं कवर कर लेगी? कम से कम 5 सीटें भी जीत ली, 6 भी जीत ली तो भी कम से कम माना जाएगा विजेता है। अविनाश जी, अविनाश जी तक आवाज नहीं जा रही है। शैलेंद्र, मुझे एक ये जानना है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है सो संगठन खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में, उसको लोग क्या संदेश देंगे आप, वो क्या करें? अब सबसे पहले तो हमारा संगठन और मेरा शीर्ष नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी निरंतर, अभी आपने देखा है शिक्षक भर्ती 69,000 के शिक्षक भर्ती में सवाल क्या, मुझे जवाब क्या दे रहे हैं आप? सवाल मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता क्या करें, समय कम बचा है। सुनिए, हमारे कार्यकर्ताओं में कहीं कोई निराशा नहीं है, पूरे ईमानदारी के साथ अभी भी उनका मूल उद्देश्य यह है कि कैसे हमारे जो पिछड़े दलित समाज का हक और अधिकार भारतीय जनता पार्टी निरंतर पर्दे के पीछे से उनका हक अधिकार छीना जा रहा है, उस मूल्य को बचाने के लिए अगर कुर्बानी चुनाव में भी देनी जाएगी तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। नहीं, जो कार्यकर्ता आपकी पार्टी में आए थे वो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी में चले जाए? चुनाव उनको लड़ाना है तो उन्हीं पार्टी में क्यों ना चले जाए, क्यों रहे कांग्रेस में? वो देखिए, ये हमारा एक अलायंस का मुद्दा है, ये हमारे एक शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, उसमें हमारे कार्यकर्ता और सभी नेता पूरे ईमानदारी के साथ खड़े हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो समय खत्म होगा राजधर्म, इतना ही वक्त, छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।